ये कॉमेडी सटायर है नागपुर अधिवेशन, और यहाँ पर मैंने एक एमपी की भूमिका निभाई है, जो मेरे लिए पहले बार मैं कर रहा हूँ एक पॉलिटिशियन की कैरेक्टर। और यहाँ पर नागपुर अधिवेशन में क्या क्या घटता है या जो आम जनता को पता भी नहीं होता और किस तरह से सारी वहाँ की चीज़ें घूम जाती हैं, ऐसी एक घटना पर आधारित ये सिनेमा है। इसको एक बहुत ही लाइट नोट पर दिखाया गया है, यहाँ पर कहीं भी कोई सीरियसनेस नहीं डाला है या कहीं पर ये नहीं बोला कि ये क्या गलत हो रहा है या सही हो रहा है। ये एक लाइट नोट में निकल जाने वाली फिल्म है। बड़ा मज़ा आया ये फिल्म करते करते, और नीलेश के साथ मेरी ये पहली फिल्म है, सारे दोस्त अपने इस फिल्मों में हैं अपने साथ, तो बहुत ही मज़ा आया। नागपुर में हमने शूट किया, और अब खास बात यह है कि 7 तारीख को नागपुर अधिवेशन शुरू हो रहा है नागपुर में, और हमारी फिल्म 11 तारीख को रिलीज़ है, तो सारे पॉलिटिशियंस वहाँ ज़रूर फिल्म देखेंगे, और मैं जानता हूँ कि बार बार देखेंगे, क्योंकि उनकी किरदार उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी कैरेक्टर में नज़र आएगी, और ख़ासकर मेरे कैरेक्टर में शायद बहुत लोग देखेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत प्यार मुझे मिलेगा। आई प्ले अ रोल, इट्स ऑब्वियसली ब्लैक कॉमेडी वाले, मेरा रोल भी कॉमेडी है। आई प्ले अ रोल ऑफ अ मिडिल मैन, जो वहाँ सप्लायर फॉर अप्लायर, आई एम प्लेइंग दैट रोल, सो इट्स अ गुड रोल, आई एंजॉयड इट। और जो जो वहाँ आते होंगे उनमें से 5-6 जन तो मैं बोलेंगे, अरे ये तो मेरा काम है, तो ऐसे जो आएंगे वो सब लोग बोलेंगे, अरे ये तो मेरा रोल है, नॉट मेरा, किसी का भी हो तू। एंड इट्स वेरी एंजॉयबल, वी एंजॉयड शूटिंग देयर इन नागपुर, अमरावती एंड इंटीरियर्स, एंड इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। जो फिल्म है ये कॉमेडी बेस है, यहाँ पे फैमिली ड्रामा है, उसके बाद प्यार है, देन सब मसाला भरा हुआ है जो पॉलिटिक्स को लेके। और मैं बहुत लकी हूँ कि इसका मैं छोटा सा हिस्सा बन चुकी हूँ, और मेरा जो काम है वो मकरन सर के अपोजिट है, उनका वाइफ का मैं रोल कर रही हूँ। जैसे नाम ही कहता है कि नागपुर अधिवेशन, एक सहल तो एक ट्रिप, एक जॉय, एक आनंद, एक कहीं पे आपको, जैसे अभी नीलेश ने कहा कि वो कहीं पे आपको लग जाएगी, कहीं पे आपको सत्य का भास होगा कि अरे ये तो घटता है हमारे यहाँ पर यार, और ये होना चाहिए नहीं चाहिए, ये आपको हंसाते हंसाते काफ़ी चीज़ों से नज़दीक लेकर जाके दिखाएगी कि यार ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये आप ही तय करिए। तो मेरे ख्याल से ऑडियंस हंसते हंसते बाहर निकलेगी, लेकिन बाहर निकलने के बाद सोचेगी कि यार कुछ तो दिया खाद्य हमारे मेंदू को सोचने के लिए कि कोई चेंज हो सकता है, अगर हम बदलें तो कई चीज़ें बदल सकती है, अगर हम ज़्यादा इन बातों में अपने आप को ढालें और ये ना कहें कि ये अपनी बात नहीं है, दिस इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, अगर ये सब हमारी प्रॉब्लम है तो हम मिलकर साथ में कुछ करने की कोशिश करें तो बदलाव ज़रूर आ सकता है। मेरे ख्याल से बस यही मैसेज है, बाकी तो एन्जॉय करने के लिए एक 2 घंटे की फिल्म है जो प्योर एन्जॉयमेंट के लिए बनाई गई है, इसमें से कोई मैसेज देने का शायद इरादा नहीं होगा।